फिल्म की कहानी केरल के चार लड़कियों के धर्मांतरण पर आधारित है, जिसके चलते बहुत से लोग इसको रिलीज करने के विरोध में थे, लेकिन आखिरकार फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच गई। हालांकि अभी भी इसको लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप भी यह फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए कि फिल्म की कहानी क्या है। द केरल स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने का सपना लिए घर से दूर एक कॉलेज में आती है, जहां उनकी मुलाकात आसिफा से होती है। आसिफा एक फंडामेंटलिस्ट है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि वह आईएसआईएस के लिए लड़कियां भेजने का काम करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आसिफा अपने साथियों की मदद से उन तीन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनके अपने धर्म बदलने के लिए उत्साहती है। आसिफा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और तीनों लड़कियों में शामिल सबसे पहले उससे प्रभावित हो जाती है और अपना धर्म बदल लेती है, और अब वह फातिमा बाप बन चुकी है। इतना ही नहीं, शालिनी को आसिफा के एक दोस्त से प्यार भी हो जाता है। दोनों इसके बाद शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है और फातिमा बन चुकी शालिनी अपने बच्चे के साथ सीरिया बॉर्डर पर नजर आती है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिल्म इसी की कहानी बयां करती है। हालांकि नीमा और गीतांजलि शालिनी की तरह आईएसआईएस तक तो नहीं गईं, लेकिन उन्हें इसका नतीजा भारत में ही रहकर भुगतना पड़ा। बता दें कि तीन लड़कियों की कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी बताने को लेकर द केरल स्टोरी पर काफी विवाद हो चुका है। फिल्म को बैन करने की मांग अभी भी कई राज्यों में की जा रही है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।